खरगोन शासकीय नर्सिंग स्टाफ इन दिनों 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इस बीच स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ऐसे में खरगोन जिले के स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल के चौथे दिन महत्वपूर्ण नियमितीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोला और आंदोलन की चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि नर्सेस स्टाफ ने जिला अस्पताल से रैली निकालकर विरोध दर्ज किया और पुराने अस्पताल पहुंचकर CMHO को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग पूरी करने के नाम पर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जी, हम CSCB कन गाँव से आए हैं। हम वहाँ पर टोटल 6 स्टाफ सिस्टर्स हैं जो रेगुलर पोस्ट में हैं और पूरी CSC जो है वो हम लोगों के उस पर है निर्भर, जिसमें अभी हम जब स्ट्राइक पर हैं तो पेरी से स्टाफ बुलाया गया है जिनको मेटर्निटी का और जनरल वर्क का कोई काम नहीं आता है, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बच्चों को भी, महिलाओं को भी, प्रसव महिलाएं जो है वो जब हमको वहाँ नहीं देख पा रही है तो वो तुरंत वापस जा रही है कि जो हमारी सिस्टर्स नहीं है तो दूसरे सिस्टर से क्या काम होगा, और ये कहकर वो वहां से वापस जा रही है। आज चौथा दिन है हमारा हड़ताल का। वहां से नए अस्पताल से पुराने अस्पताल तक CMHO ऑफिस तक हमने रैली निकाली है और CMHO सर को ज्ञापन दिया है और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो 10 सूत्रीय मांगे हैं उसका जल्द से जल्द निराकरण हो ताकि हम वापस अपने काम पर लौटे। और सुनीता यादव, हमारी जो नर्सेस ऑफिसर एसोसिएशन है उन्होंने आज मेरे को ज्ञापन दिया है, चरणबद्ध तरीके से हड़ताल कर रहे हैं और इनकी जो 10 सूत्री मांगे हैं जो हमें आज प्राप्त हुई है ज्ञापन के इसमें, तो हम हमारे उच्चाधिकारी और आगे भेजेंगे और हम चाहते हैं कि उनकी सुनवाई जल्दी हो जाए तो हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का काम सुचारू रूप से चले और जनता को सेवाएं मिलती रहे। सर, पिछले 4 दिनों से जो हड़ताल की जा रही है जिला अस्पताल में भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई है, उसके लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए? ठीक है, ये तो इतना बड़े तादाद में जब स्टाफ हड़ताल पे जाता है तो असुविधाएं जरूर जनता को होती है, पर हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे जो पेरी से हमारे जो अन्य जहाँ पे हमारे पास स्टाफ है वहाँ से हमने ड्यूटी लगाई है और अभी हम काम सुचारू रूप से चला रहे हैं। थैंक यू सर। आप इस तक की रैली भी निकाल दी, ज्ञापन भी सौंपा, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा हड़ताल का चौथा दिन है, शासन प्रशासन को निरंतर हम लोग जगा रहे हैं, उनको रोज मैसेज दे रहे हैं, हम लोग सुबह से आके रोज पंडाल में बैठते हैं हमारी मांगों के लिए, शासन प्रशासन अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। हम लोग मजबूर हैं हड़ताल करने के लिए, हम लोगों को हड़ताल करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम मानव सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, आज मरीज परेशान हो रहे हैं तो हमको भी नहीं अच्छा लग रहा है, पर करें क्या, हमारी भी कुछ मजबूरी है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, आज जो हमको सैलरी मिल रही है उससे हमारा घर नहीं चलता है, तो कम से कम सेकेंड ग्रेड तक हम लोग, उनने नाम तो हमको दे दिया नर्सिंग ऑफिसर है हम, पर उसका हमको वेतन नहीं मिला है, तो कम से कम 4 बार तो वो हमको बोल चुके, हम तो उनके पास जा चुके, उनने बोल चुके कि हम आपको दे रहे हैं, पर अभी तक कोई उन्हें संज्ञान में ये लिया नहीं है, तो ये मजबूरी से हमको हड़ताल करना पड़ रही है, ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारी मांग है सरकार से, हमारा यही निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई करें और हम हमारे काम पे लौटें, हम हमारे लोगों की सेवा कर सकें, बस हमारा यही सरकार से निवेदन है। मेरा आशा मेहता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।